बाराबंकी के राम सनेही घाट इलाके में अन्ना जानवरों का आतंक लगातार जारी है, जहां आए दिन ये अन्ना जानवर किसानों की धान की बेरन और गन्ने की फसल को तबाह कर रहे हैं, जिसके चलते किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने अन्ना जानवरों को लेकर कई बार प्रशासन से शिकायत की, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं की, जिससे आहत दर्जनों ग्रामीणों ने परेशानी और आतंक का सबब बने सैकड़ों अन्ना जानवरों पर लाठी डंडों से लैस होकर धावा बोल दिया और अन्ना जानवरों को थोरतिया गांव के प्राथमिक विद्यालय में बंद कर दिया। वहीं ग्रामीणों की माने तो शासन के निर्देश के बाद भी जिला प्रशासन की तरफ से अन्ना जानवरों को पकड़ने की कोई कवायद शुरू नहीं की गई है। क्या समस्या आ रही है इंसानों से? समस्या का ही जौन हत्या था, मनाइन कर ठाई दिन जो ठाई चटान है और छपरा गिरा दिन खेत में हम लड़का पर जात उधर मर जात खेती साफ कह दिए। कितने समय इस विद्यालय में बंद किया गया सांडों को? इस समय में स्कूल खुला रहा, मास्टर लोग रहे, तब जाके जो है प्रधानों रहे, बड़ी देर के बाहर खड़े रहा, उसके बाद प्रधान कहीं कहाँ खड़े रहे भानन उनका बंद कर बंद कर दे रहे हैं। जो है कई जगह पे ये भी आया कि कुछ जो है असामाजिक तत्व इसमें कोशिश प्रयास कर रहे हैं कि छवि जो है प्रशासन की और सरकार की उसको भूल किया जाए, लोगों से पैसा ले लेके उनको जानवरों को इकट्ठा कर रहे, तो उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जितने निराश्रित गौवंश हैं उसकी जिम्मेदारी हमारी है, सरकार की, प्रशासन की है, उनको हम यथासमय गौवंश स्थलों तक। वहीं आए दिन स्कूलों में अन्ना पशु बंद होने के चलते शिक्षण कार्य भी प्रभावित हो रहा, लेकिन डीएम आदर्श सिंह ग्रामीणों की समस्या को ही पूरी तरह खारिज कर रहे हैं। डीएम साहब की माने तो अन्ना जानवरों को लेकर कोई समस्या है ही नहीं, बल्कि कुछ लोग सरकार और प्रशासन को बदनाम करने के उद्देश्य से जानवरों को स्कूलों में बंद कर रहे हैं। डीएम साहब ऐसे लोगों के खिलाफ बाकायदा कार्रवाई की बात भी कह रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए बाराबंकी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।